तो अब हिबा के बारे में हम जानेंगे कि हिबा की मीनिंग हमने समझ ली, क्या हिबा होता है, किस तरह से किया जाता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन, प्रपोर्शन के बारे में जानते हैं फर्दर कि किस प्रपोर्शन में एक मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी को हिबा कर सकता है, गिफ्ट कर सकता है या दान में दे सकता है। इसके लिए किताबों में लिखा गया है होली और पार्टली। यहाँ एक लिमिटेशन दी गई है एक मुस्लिम पर्सन को कि अपनी प्रॉपर्टी को अगर वो विल करता है किसी को तो सिर्फ और सिर्फ 1/3 की प्रपोर्शन में कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। और अगर इससे ज्यादा वो करता है तो उसके लिए अपने लीगल एयर्स की कंसेंट की जरूरत होती है। विदाउट कंसेंट ऐसा किया गया ट्रांसफर वॉइड होगा। लेकिन हिबा में ये लिमिटेशन अप्लाई नहीं होती है। इसमें अगर चाहे कोई मुस्लिम पर्सन तो होली या पार्टली, यहाँ ये 1/3 का रूल अप्लाई नहीं होगा। और वो कोई मुस्लिम व्यक्ति चाहे तो अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट दे सकता है, हिबा में दान कर सकता है। ये इसका प्रपोर्शन हो जाएगा। इसका एक्सेप्शन है जो इनहेरिटेंस का रूल है, जो विल का रूल है, उसका ये एक्सेप्शन बताता है आपका हिबा या गिफ्ट अंडर अ मुस्लिम लॉ। फीचर्स क्या क्या होंगे, पहला फीचर देख लेते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाई एक्ट ऑफ द पार्टीज। एक्ट ऑफ द पार्टीज का मतलब है गिफ्ट किया है किसी पार्टी ने, एक्ट करके हिबा किया है या फिर विल प्रिपेयर करके किसी को अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है। और ये साथ में इंटर वाइवोस भी किया जाएगा, जीवित व्यक्तियों के बीच में किया गया ट्रांसफर। यहाँ इसकी मीनिंग बाई एक्ट ऑफ द पार्टीज से कि हिबा के लिए गिफ्ट या विल किया गया हो बिटवीन द इंटर वाइवोस पार्टीज, जीवित व्यक्तियों के बीच में किया गया ट्रांसफर। सेकेंड फीचर हम देखेंगे ट्रांसफर किस तरह का होना चाहिए, किस नेचर का, ओनरशिप का, ना कि पजेशन का। अगर पजेशन का ट्रांसफर किया जाएगा तो ऐसा हिबा वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वही पर्सन कर सकेगा जो उस प्रॉपर्टी का ओनर होगा, ना कि पजेसर, तभी वो एक वैलिड हिबा माना जाएगा। अदरवाइज वो वैलिड हिबा नहीं माना जाएगा, उसका कोई एग्जिस्टेंस इन द आई ऑफ लॉ नहीं होगा। थर्ड फीचर देख लेते हैं, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट एनी कंसिडरेशन, एनी प्राइस और गिफ्ट। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कोई कंसिडरेशन नहीं लिया जाना चाहिए जब प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जा रहा है, और अगर कंसिडरेशन लिया जाएगा तो ये सेल बन जाएगा, एक्सचेंज बन जाएगा। और फोर्थ फीचर इसका, देयर मस्ट बी टू पार्टीज, दैट इज डोनर एंड डोनी। जब भी कोई गिफ्ट किया जाएगा तो इंटर वाइवोस किया जाएगा, जिसके लिए एक डोनर और एक डोनी का होना आवश्यक है। डोनर जो प्रॉपर्टी को हिबा करेगा, ट्रांसफर करेगा, गिफ्ट करेगा किसी को, किसी और जिसे वो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करेगा उस सब्जेक्ट मैटर का, उसको हम डोनी के नाम से जानते हैं। ओके, तो इसके पहले हमने लेक्चर में देखा मीनिंग क्या होगी हिबा की, लिटरल मीनिंग देखी हमने, एक्चुअल मीनिंग देखी, उसके बाद फीचर्स देखा कि हिबा के क्या क्या फीचर्स होंगे, जिसमें हमने 3-4 पॉइंट्स को डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड गिफ्ट और हिबा। कोई वैलिड गिफ्ट या हिबा होने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए, जो हमने डिस्कस किया है इसमें, जिसमें पहला होगा कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। जब भी कोई गिफ्ट या हिबा किया जाएगा तो गिफ्ट करने वाला या प्रॉपर्टी को डोनेट करने वाला, हिबा करने वाला कॉम्पिटेंट पार्टी होना जरूरी है। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज के बारे में हमने बहुत बार पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा है और प्रीवियस लेक्चर्स में भी हिंदू लॉ में पढ़ा है, जो आपका मेजॉरिटी, एज ऑफ मेजॉरिटी की बात करता है और साउंडनेस ऑफ माइंड। कोई माइनर पर्सन जो मेजर नहीं है, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स है और अनसाउंड माइंड का है, अगर वो गिफ्ट करता है, हिबा करता है, तो उसे कॉम्पिटेंट पार्टी नहीं माना जाएगा और वो वैलिड हिबा नहीं माना जाएगा। ये हो रही है डोनर की बात, लेकिन यहाँ डोनी के लिए डिफरेंट थिंग्स की बात की गई है, डिफरेंट सिनेरियो है। डोनी किसी भी एज का हो सकता है, माइनर हो सकता है, अनसाउंड माइंड हो सकता है, कोई ट्रस्ट, कोई वक्फ क्रिएट करके प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जा सकता है। यहाँ कॉम्पिटेंसी डोनी के लिए अप्लाई नहीं होगी। कंसेंट, जब भी कोई गिफ्ट किया जाएगा या हिबा किया जाएगा तो जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, जो गिफ्ट करने के लिए विलिंग है, हिबा करने के लिए विलिंग है, उसकी कंसेंट फ्री कंसेंट होनी चाहिए। अगर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोई फ्रॉड, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन करके गिफ्ट या हिबा कराया जाएगा तो ऐसे हिबा वैलिड हिबा नहीं मानी जाएगी और उसका कोई एग्जिस्टेंस इन दी आई ऑफ लॉ नहीं माना जाएगा। डिक्लेरेशन, जब भी
कोई डोनर अपनी प्रॉपर्टी का गिफ्ट या हिबा करता है तो उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वो अपनी प्रॉपर्टी को किसी को दान देना चाहता है या हिबा करना चाहता है। डिक्लेरेशन के बहुत सारे मोड्स हैं, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि रिटन में भी हो सकता है आपका, एक्सप्रेस या एम्प्लाइड हो सकता है, बाय कंडक्ट दिखाया जा सकता है, कोई पेपर या कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके डिक्लेरेशन किया जा सकता है। डिक्लेरेशन इज वेरी एसेंशियल फॉर द वैलिड हिबा। ऐसी ही बात सेम स्टेटमेंट को महबूब साहिब वर्सेस सैयद स्माइल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया और कहा कि अगर डिक्लेरेशन नहीं किया जाता है तो वैलिड हिबा नहीं माना जाएगा और एक वैलिड हिबा होने के लिए डिक्लेरेशन होना मस्ट है, नेसेसरी है। फोर्थ पॉइंट, एक्सेप्टेंस बहुत ही जरूरी है। कॉम्पिटेंसी, फ्री कंसेंट, डिक्लेरेशन देखने के बाद हम देखेंगे कि क्या एक्सेप्टेंस किया गया है ऑन द पार्ट ऑफ द डोनी। यहां एक्सेप्टेंस एक्चुअल या फिर कंस्ट्रक्टिव हो सकती है। एक्सेप्टेंस के लिए ये जरूरी नहीं है कि जो डोनी है वही आपका एक्सेप्टेंस करे, डोनी के बिहाफ पे कोई और पर्सन भी एक्सेप्टेंस कर सकता है, क्योंकि हो सकता है जो डोनी है वो माइनर हो या फिर अनसाउंड माइंड का हो या किसी वक्फ को दिया गया हो प्रॉपर्टी, तो इसलिए कंस्ट्रक्टिव या एक्चुअल एक्सेप्टेंस हो सकती है। और अगर एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव किसी तरह की एक्सेप्टेंस है तो वो वैलिड हिबा मान ली जाएगी। डिलीवरी ऑफ पोजेशन लास्ट पॉइंट है आपका। डिलीवरी ऑफ पोजेशन किया जाना, जब भी गिफ्ट दिया जाएगा तो बहुत जनरल सी बात है कि प्रॉपर्टी का डिलीवर किया जाना आवश्यक होगा, नेसेसरी होगा। अगर प्रॉपर्टी का डिलीवरी का पोजेशन ही नहीं दिया जाता है, प्रॉपर्टी डिलीवर करके पोजेशन ही नहीं दिया जाता है तो हिबा करने का कोई मतलब यहां नहीं होगा और ये वैलिड हिबा नहीं मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को अपहेल्ड किया, एम्फेसाइज किया इन द केस ऑफ महबूब साहेब वर्सेस सैयद इस्माइल के केस में और कहा कि अगर हिबा किया जाता है एक डोनर के द्वारा डोनी को तो, और अगर डिलीवरी ऑफ पोजेशन नहीं दिया जाता है तो ऐसा हिबा नल एंड वॉइड होगा।